हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियोकॉन का LCD आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ देर चलता है और उसके 2-3 मिनट के आसपास स्टैंड बाई में दोबारा चले जाता है। तो मैं यहाँ पे चेक करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा स्टैंड बाई में जाने पर, लेकिन मैं चालू करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारा, ये देख सकते हैं पावर ऑन हो गई। स्टैंड बाई रिलीज करता हूं मैं, एक मिनट। और यहां पे चल रहा है, वर्किंग कंडीशन में है, काफी अच्छे तरीके से ये चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है। कि इसमें कुछ टाइम बाद ये बंद हो जा रहा है। ये वीडियोकॉन का है, LCD है। अगर इसका मॉडल नंबर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो एक मिनट इसको मुझे घुमाना पड़ेगा इस तरीके से और तब साइड में यहां से मॉडल नंबर को दिखा सकूं। तो ये मॉडल नंबर मैं बोलता हूं, LCD TV VRL22HPL-FLK, ये इसका मॉडल नंबर है। अगर ये खोलने पड़े मुझे ये वाले भी स्क्रू तो मैं पूरा दिखाऊंगा, नहीं तो अगर खुल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये स्टैंड बाई पर जा रहा है। इसको खोल लेता हूं, उसके बाद यहां पे मैं दिखाऊंगा। तो यहां पे देख सकते हैं मैंने इसका जो ऊपर का पीछे का कवर होता है उसको खोला हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोबारा रिपेयर करी हुई है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा बैक लाइट ड्राइवर सेक्शन है इसको इंस्टॉल किया हुआ है अलग से। इसका ओरिजिनल यहाँ पर है, ये देख सकते हैं, ये हमारी पावर सप्लाई हो गई, ये हमारा मेन बोर्ड हो गया। पावर सप्लाई इनबिल्ट है ड्राइवर सेक्शन बैक लाइट के साथ में, लेकिन इसकी बैक लाइट प्रॉब्लम के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं अलग से लगाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि ये क्यों कर रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा हुआ है, पहले हमेशा कहता हूँ जैसे मैं फिजिकली देख लेना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे देखते कैपेसिटर पीछे से फटा हुआ है ये, तो पहले हम इसको रिप्लेसमेंट करेंगे और उसके बाद फिजिकली देखेंगे कि कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पे है या नहीं है, उसके बाद ही हम आगे को देखेंगे इसको रिप्लेस करके और उसके बाद में इसको यहाँ पर चलाऊंगा। तो बाकी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है और जिससे हमारी प्रॉब्लम दिख रही हो कि हाँ इसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब हमारा ओके है। तो इसको मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, ड्राइवर को हम साइड में आराम से करते हैं क्योंकि ये हमें खोलना ही पड़ेगा तभी ये हमारा निकलेगा। तो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ, देख सकते हैं 4 स्क्रू के साथ यहाँ पे ये लगा हुआ होता है और यहाँ पे जो इस तरीके से इसका उखेड़ के साइड में कर रखा है ये इसका बैकलाइट सेक्शन है। तो यहाँ पे उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो हमको सिर्फ कैपेसिटर यहाँ पे चेंज करना है, इसको देख सकते हैं, और साथ में हम इसको एक बार वॉश भी करेंगे पेट्रोल से क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया है। तो मैं पहले इसको वॉश ही कर लेता हूँ ताकि ये दिखे थोड़ा ठीक। देख सकते हैं काफ़ी क्लीन हो चुका है।
और मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो हमारे अलग से वायर जोड़ रखे हैं, यहाँ पे ये हमारा 12 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे ये हमारा स्टैंड बाई का वोल्टेज होगा, देख सकते हैं 5 वोल्ट, जो कि PS ऑन का सिग्नल जाने पे वो ऑन होगा। और ये वाला पॉइंट हमारा ये ग्राउंड है। ये जो बैकलाइट सेक्शन है, इसको हमको सिर्फ इसमें 3 ही वोल्टेज चाहिए होते हैं, +12 वोल्ट, माइनस और PS ऑन के लिए 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट। उसके बाद ये हमारा जो कन्वर्टर है वो हमारा काम करने लग जाता है और हमारी बैकलाइट सेक्शन के लिए आउटपुट देना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसमें कैपेसिटर को रिप्लेस। तो यहाँ पे कैपेसिटर की जो पिन है वो ये वाली है, तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे सोल्डर का यूज करेंगे ताकि ये थोड़ा लूज हो जाए। खराब होने वाली चीज खराब ही हो जाती है, ये रोगी छुपी चलाते टाइम फट गई होगी। हाँ कुछ तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फटा हुआ है, पहले इसको रिप्लेस यहाँ पे करेंगे। 500 वोल्ट 100 UF इसका वैल्यू है यहाँ पे,